अस्सलामुअलैकुम। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। कल रात को मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद मेरे छोटे भाई को फायर मारा, उसको भी गोली मारी लेकिन उसकी टांग पे लगी। ये सब मेरे शहर की तंजीम ATI पसरूर ATI उसने उनमें गुलाम नबी, तलहा भट्ट और उनके तमाम साथी जितने भी थे जो राड और पिस्तौलों के साथ मेरे मोहल्ले आए और उन्होंने मेरे अबू के ऊपर तशद्दुद किया और उन्हें भी रहमी से मारा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अपने अबू के जस्टिस के लिए बना रहा हूँ और मैंने वो जस्टिस लेके छोड़ना और जिन्होंने मेरे अबू को मारा मैंने उन्हें सजा दे दी। मैं अपने अबू को नहीं वापस ला सकता, मैं अपने अबू को नहीं ला सकता। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, अबू मेरे कब्र में है, अभी मेरी सदमे में है और एक मैं अकेला बचता हूँ। मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप सब लोग ये वीडियो जहाँ तक हो सकता है शेयर करें। अगर इमरान खान साहब देखते हैं या कोई भी आला हुक्मरान देखता है तो सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनी जाए। मेरे अब्बू एक बेकसूर इंसान है और उन्होंने हमारे मोहल्ले में आके, जब हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर थे, बस मेरे मोहल्लेदार ही थे, मेरे फैमिली का कोई भी नहीं था, उन्होंने ये फायदा उठा के तमाम लोगों ने 50-60 लोगों ने आके हमारे मोहल्ले में मेरे अबू को पहले कत्ल किया, उसके बाद मेरे छोटे भाई को फायर मारा और साथ में जो लड़के बेचारे वाले थे उनको भी फायर मारा। मैं बच गया क्योंकि मैं वहां से भाग गया था। जब तक मैं वहां वापिस आया हूँ तब तक वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरे अबू की डेड बॉडी पड़ी थी और उधर मेरा भाई। मैं बस इतना चाहता हूँ प्लीज जितने भी लोग हैं इसे शेयर करें और मैं तब तक नहीं चुप करूंगा जब तक मेरी बात आला कुरान तक नहीं जाती और मैं अपने अबू को जस्टिस लेके दूंगा, लेके दूंगा। आप ही मेरी इसमें मदद करें। मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं ना कातिल हूँ ना मैं कातिल बनना चाहता हूँ, लेकिन जिन कातिलों ने मेरे अबू का कत्ल किया मेरे अभी के साथ मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें कानूनी तौर पर सजा जरूर दिलवाऊंगा और जितनी भी माएं बहनें मेरी ये वीडियो देख रही है प्लीज मेरे अबू की मगफरत के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, लगभग मेरे घर को कुछ ढके, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी और उन लोगों ने मेरा सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने उनका बिगाड़ा क्या था? ना मैं लड़ता, ना मेरे अबू लड़ते, ना मेरा भाई लड़ता। मेरे मेरे अबू के साथ नजायज किया, मेरे अबू को नजायज मारा। जो भी मेरे सोशल मीडिया यूजर है सब लोग जितने भी लोग हैं इसको शेयर करें, अपनी वॉल्स पे लगाएं और जस्टिस चाहिए, जस्टिस फॉर डाउट, मुझे चाहिए जस्टिस और मैं जस्टिस हासिल करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखना, शहर अफ्तारी में मेरे अबू की मगफरत के लिए दुआ करना और जिन्होंने मेरे अबू का जुल्म किया अल्लाह उन्हें कभी नहीं माफ करेगा।